मैंने सोचा था यार मेला लगा होगा तो आज पूरनपुर आया था, इसी वजह से मैं सोचा मेला वाला लगा होगा तो आप सबको एक अच्छा सा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा सारा यहाँ पे मेला लगता है कैसे कैसा लगा होगा, भीड़ वगैरह होगी। लेकिन यहाँ पे तो मेला ही नहीं लगा है अभी, मतलब सारा काम चालू है, मेला वगैरह लग रहा है तो अभी तक लगा तो है नहीं। चलिए दिखाते हैं, मैं पीछे ग्राउंड जो मेला बन रहा है जहाँ पे लगने वाला है मैं वो दिखाता हूँ पीछे। तो ये देखिए, ये पीछे सारा मेला लग रहा है, अभी ये ग्राउंड में सजावट वगैरह चल रही है और ये पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है। ये देखिए कुछ पंडालें लगी हुई है, ये इस तरफ भी कुछ लगी हुई हैं, इस तरफ यहाँ पे कुछ, इस तरफ चारों तरफ लगी हुई हैं पंडालें और मेला लगने की जो है तैयारी शुरू हो चुकी है, इधर भी पूरा लग जाएगा। तो ये सारा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं सब मेला ही लगेगा यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी फिर से आऊँगा, कोई बात नहीं, आज तो मेरा जो है टाइम बेकार चला गया, बाइक भी मांग के लाया था तो आज तो खाली ऐसे ही रह गया मेरा, लेकिन फिर से मैं आऊँगा। तो फ़िलहाल तो अभी मैं ऐसे ही रह गया, क्या करूँ, आज तो थोड़ा ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया। बाइक में पेट्रोल डलवाया था 100 रुपये का, वो भी चला गया और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मेला भी लगानी है। अगर ऐसा पता होता तो मैं जो अभी आता ही नहीं, मैं आता थोड़ा दिनों बाद जब मेला लग जाता। खैर चलिए, ये ब्लॉग आप लोग तब तक देखिए और जब तक हम आएँगे और मेला हमारा लगेगा अच्छा, ये हमें पता है, अच्छी तरह से पता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अभी नहीं होगी लेकिन कुछ दिनों बाद ज़रूर होगी, और जैसे यहाँ पे भीड़ होगी मैं आऊँगा। अब मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा और जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो देखना आप लोग कितना अच्छा लगेगा ये इस मेले में। फ़िलहाल के लिए तो अभी मैं जा रहा हूँ और बने रहिएगा, है नहीं कि नहीं, और आप लोग हमारे ब्लॉग को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आप लोग देखेंगे ना अच्छा नहीं लगेगा। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि अभी कुछ खास है नहीं। तो चलिए चलते चलते मार्केट थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि रास्ता आप लोग पता लग जाएगा तो बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो है रास्ता और दिखाना, और हमारा एक दोस्त भी साथ आया था उसको भी ले लेते हैं फिर। मेरा तो लग नहीं पाया दिखाया, पर आने जाने के लिए रास्ता यही है और जो है हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ता डायरेक्ट मेले की तरफ से जाता है, काफ़ी अच्छा माहौल है, भीड़ भी अभी तो आज भीड़ कम है क्योंकि सुबह सुबह का ही माहौल है, सुबह सुबह भीड़ जैसे ही कम ही होती है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ पे भीड़ बढ़ दी जाएगी और जैसे निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। वैसे तो पूरनपुर हमारे यहाँ पे कहलाता है ऐसा शहर है जिसमें भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, बाकी पीलीभीत के अलावा तो और कोई ऐसा, पीलीभीत भी नहीं है ऐसा जितनी यहाँ पे जितनी भीड़ होती है, इतनी पीलीभीत में भी शायद नहीं होती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आऊँगा, अब जब मेला लग जाएगा तभी आऊँगा, और अभी तो मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि जब भी अच्छा मेला लग जाएगा 10-12 दिनों में तब आऊँगा मैं, ताकि खूब ज़्यादा पब्लिक होगी, खूब ज़्यादा लगा हुआ मेला होगा तब आऊँगा। ये पीछे में देखिए कुछ भीड़ बहुत ही, मतलब ये इधर देखिए नई नई मूर्ति बनी है, इसको याद रखना, इसी रास्ते से जाना आपको, ये मूर्ति को याद रखना, अभी नई बनी है पहले नहीं थी। ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसको भी याद ही रखना है, इसको नहीं भूलना है, सब लोगों को इसको याद रखना है, इस वाले रास्ते से ही जाना है। ये इधर कचहरी, मतलब जैसा कोर्ट का काम होता है, इधर वकील वगैरह बैठते हैं। अब तो सुबह सुबह का टाइम है तो कोई आया नहीं है, बट आएंगे धीरे धीरे। और ये सरकारी अस्पताल का जो है मेन रास्ता है, इसी रास्ते से जाते हैं, एक उधर आउट रास्ता है वहाँ से निकलते हैं, आगे पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस थाना, यहाँ पर भाई साहब बहुत पिटाई होती है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर अगर पकड़ेंगे ना तो फिर जूते जूते चलेंगे। तो फिर आगे, और ये कचहरी है, ये तहसील हमारे यहाँ की, पूर्णपुर तहसील, बड़ी तहसील यही है। इस तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं, ये मंदिर पड़ता है रास्ते में, सब ये रास्ता आपको याद रखना, ये सीधा हाईवे से आया है अंदर की तरफ पूर्णपुर साइड, यहाँ से जैसे जैसे मैंने दिखाया आपको देखते जाना। अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, देखो भैया क्या लेंगे, पे कुछ लेना है, ये बड़ी दुकान है, कोई माना जा।